पेरोल के लास्ट क्लास में हमने बात की थी पे हेड्स बनाने के बारे में, और इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉयज वगैरह किस तरह से बनाते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के लिए पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप होने चाहिए। एक होना चाहिए हमारे पास मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, एचओडी और एम्प्लॉयज। इनके अलावा भी आपके पास ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर या डायरेक्टर, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपकी कंपनी में हो उन्हीं सभी का अकाउंट होगा, जाहिर सी बात है। तो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम। चलते हैं टैली में। टैली में हम आ गए। यहाँ पर हमें क्या करना है, पे हेड्स की हम बात कर चुके थे, अब हम आएंगे एम्प्लॉय ग्रुप में। यहाँ से हम करेंगे क्रिएट करेंगे सबसे पहले मैनेजर। यहाँ पे जो है आपका प्राइमरी कोर्स कैटेगरीज को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर हम यहाँ पे देंगे मैनेजर, एंटर। इसका जेंडर होगा वो प्राइमरी होगा। उसके बाद यहीं पर आप बना लीजिएगा सेल्स मैनेजर। इसका अंडर आप चाहे तो मैनेजर भी दे सकते हैं और प्राइमरी भी दे सकते हैं, इसका प्राइमरी देते हैं। उसके बाद परचेज मैनेजर, प्राइमरी देते हैं हम इसको भी। अकाउंटेंट प्राइमरी, असिस्टेंट अकाउंटेंट प्राइमरी, उसके बाद एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्राइमरी, और उसके बाद एक बनाना है आपको एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज हमने बना दिया, इसको भी हम देंगे प्राइमरी। ये भी सब बन जाए आपके तो हम चलते हैं वापस। अब हम बनाएंगे आपके एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज में चलते हैं क्रिएट। हमने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे कि अनंत चौधरी मैनेजर, कपिल गुप्ता सेल्स मैनेजर, अश्वनी परचेज मैनेजर, तो इन्हीं को हमें वहाँ पर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बना लिया अनंत चौधरी। अनंत चौधरी कौन है, मैनेजर है। जैसे मैनेजर लिया, डेट ऑफ जॉइनिंग आप डाल सकते हैं कुछ भी, जो भी उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग हो। एम्प्लॉय नंबर होता है, एम्प्लॉय नंबर हम डाल देंगे। डेजिग्नेशन कहाँ से है, वो सपोज मेरिट से है। फंक्शन क्या है उनका, मैनेजमेंट है। फंक्शन मैनेजमेंट मतलब फंक्शन क्या काम करते हैं वो ऑफिस में, वो चीज़ हम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद लोकेशन ऑफिस का, उसके बाद जेंडर, मतलब ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जाहिर सी बात है कंपनी आपको बताएगा ही कि कहाँ पर है। और ब्लड ग्रुप जो हो वो डाल सकते हैं। एड्रेस में पूरा एड्रेस आप डाल सकते हैं, पिन कोड सहित, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी,
जो भी हो, उसके बाद बैंक नेम, कौन से बैंक में अकाउंट है उनका, सपोज SBI में अकाउंट है उनका, अकाउंट हमारा नहीं उनका, ब्रांच कौन सी है, सपोज वल्लभपुरम ब्रांच, अकाउंट नंबर जो भी हो। ये सब होने के बाद इसी तरह से सब में डेजिग्नेशन डालने के बाद, सब में लोकेशन वगैरह डालने के बाद, आपको इन सभी का, कपिल गुप्ता का सेल्स मैनेजर, अश्वनी सिंह का परचेज मैनेजर, सभी का इस तरह से बनाना। आप चाहें तो वीडियो को पोस्ट करके वो सब लिख लीजिएगा बाद में। जैसे हमने ये बना लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी के जब आपके अकाउंट बन जाएंगे, एम्प्लॉयज बनने के बाद हम जाएंगे सेल्स सैलरी डिटेल्स में, और यहाँ से हम करेंगे क्रिएट। तो हमें किसका बनाना है, आनंद चौधरी का। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम हमेशा नाम को उठाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने दे रखा है मैनेजर, यहाँ से मैनेजर को नहीं उठाएंगे हम, नाम जो है, नाम है प्राइमरी उसका मैनेजर है, मतलब जो अंडर है उसका प्राइमरी मैनेजर है। और यहाँ ये ग्रुप है, तो हम कभी भी ग्रुप नहीं उठाते, हमने जो एम्प्लॉय बनाया है पर्टिकुलर उसको उठाएंगे। सबने उठाया, हमने यहाँ से इनको दी बेसिक सैलरी, सपोज बेसिक सैलरी इनकी 30,000, उसके बाद डीए दिया है हमने, ग्रेजुटी दी है, HRA, TA, TA सपोज हमने 1200 रुपये दिया। इसी तरह से हमने एक ओवर टाइम बनाया होगा, तो ओवर टाइम भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं बनाया हो तो आप ऑल सी करके बना सकते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम जो होता है वो अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है कंपनी के लिए, अपेयर इन पे स्लिप ओवर टाइम रहेगा, ग्रेजुटीज में नो रहती है। और ओवर टाइम का जो कैलकुलेशन टाइप होता है वो ऑन प्रोडक्शन होता है। ये हमने बनाया नहीं था इसलिए हमने ये बनाया है, अगर आप बना करके रखेंगे पहले से तो बना सकते हैं। ओवर टाइम कितना दे रहे हैं, सपोज 50 रुपीज़ पर आर दे रहे हैं। ये सब होने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे, सेव करने के बाद हम चलते हैं वापस। इसी तरह से आप जितने भी एम्प्लॉयज़ बनाएंगे आनंद चौधरी के बाद, जो मैंने आपको स्लिप के अंदर दिखाया था, ये सभी का अकाउंट बनेगा, और अकाउंट बनने के बाद सैलरी डिटेल बनेगी, तभी आप इनको सैलरी दे पाओगे। तो कैसे करना है, सैलरी बन गई हमारी, सैलरी डिटेल हो गई, अकाउंट हो गया, अब चलते हैं हम। एक चीज़ आपको और करनी है, हम एक लेज़र बनाना होता है सैलरी पेबल का। वैसे तो आप कैश के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन सैलरी पेबल बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैलरी वाउचर टाइप्स में जाना है, यहाँ से आपको जाना है ऑल्टर में, और यहाँ से हमें जाना है पेरोल में। यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सिर्फ लास्ट में आना है नेम ऑफ क्लास में, और यहाँ पे बनाना है स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी हो गया, एंटर करेंगे यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पर भी एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर आपका आएगा सैलरी पेबल। क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो हम ऑल्ट सी का यूज करके सैलरी पेबल का लेजर बना रहे हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख सकते हैं इसको, या फिर करंट लाइबिलिटीज भी रख सकते हैं जो आप चाहें। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसमें नो रहेगा। इसमें एक ऑप्शन नीचे और आना चाहिए जो पेरोल के लिए होता है, तो उसको अनेबल हम यहाँ से नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अभी नहीं दिखाई देगा, हम क्या करेंगे, एस्केप करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम आते हैं वापस, और हमें जाना होगा अकाउंट इन्फो में, लेजर में, ऑल्टर में। यहाँ से हमें मिलेगा सैलरी पेबल, सैलरी पेबल हमने उठाया। सैलरी पेबल उठाने के बाद यहाँ पर हमें वो ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम इसको यहाँ से यस कर देंगे, और फिर हमें दोबारा से वहीं जाना होगा, कहाँ, पेरोल इन्फो में, वाउचर टाइप्स में, ऑल्टर में, पेरोल में, स्टाफ सैलरी,
और यहाँ पर हुआ एंड ऑफ क्लास, यहाँ पर आ गया सैलरी पेबल। चेक कर लेते हैं एक बार। तो इस तरह से जो हमने वो सैलरी पेबल का लेजर बनाया था वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। और हमने अभी सैलरी पेबल के अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया था, आप करंट लाइबिलिटीज लेना, करंट लाइबिलिटीज ही हम इसमें यूज़ करेंगे। मैंने भी इसको चेंज कर दिया है, आप इसको चेंज कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, ये हमारा यहाँ पर हो गया। बस आपको इतना काम करने के बाद चलना है वापस। अब हमें क्या करना है, पेरोल का काम हमारा ख़त्म हो गया, अब आपको आना है पेरोल वाउचर में। यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है अटेंडेंस, अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद अनंत चौधरी, अनंत की एब्सेंट कितनी है, 4 एब्सेंट हैं। और अनंत चौधरी की ओवर टाइम कितनी, सपोज 10 आवर ओवर टाइम है। अनंत चौधरी का सिक लीव कितनी है, सपोज 2 सिक लीव हैं। इस तरह से आप और भी जितने भी लोग बनाएंगे इकट्ठा एक साथ उनका बना सकते हैं, ये सब हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको जाना है पेरोल में। पेरोल में जैसे ही आप जाएंगे सबसे पहले आपको मिलेगा वाउचर टाइप, यहाँ पे आपको ले लेना है स्टाफ सैलरी। ये क्योंकि हमने वाउचर टाइप में बना दिया था इसलिए हमें यहाँ पर मिल गया, स्टाफ सैलरी हो गया। अब यहाँ पे आपको करना है ऑल्ट ए। ऑल्ट ए जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा एम्प्लॉय फिल्टर, देख चाहे 2017 आ रहा है, आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने डेट डालनी है वो डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी कोर्स कैटेगरी, यहाँ पर ऑल आइटम आ रहा है, यहाँ से सीधा अनंत चौधरी को भी उठा सकते हो। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बनानी है तो उसकी उठाएंगे, अगर सभी की एक साथ बनानी है तो वो भी उठाएंगे। अभी अगर मैं ऑल कर दूंगा तो सभी खाली आएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे सिर्फ अनंत चौधरी का उठाते हैं यहाँ से। तो हम देख रहे हैं अनंत चौधरी की जो सैलरी है वो बन गई है 30,000। हमने बेसिक सैलरी दी, डीए कट गया, मतलब डीए मिल गया, एचआरए मिल गया, डीए मिल गया। ये मिलता कैसे है, जो हमने फॉर्मूले डाले थे उसी उसके ही अकॉर्डिंग मिलता है। आप लास्ट क्लास में देख लीजिएगा किस तरह से हमने बनाए थे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये बेसिक सैलरी, ये सैलरी बनने के बाद आप इसको सेव कर दें। ये जो हमने देखा अभी 36,644 रुपये 44 रुपये और 40 पैसे सैलरी बनी है, इस सैलरी को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। यह पहले से लिखी हुई है, मैंने एग्जांपल के लिए लिख दी थी। आप अब जो वहाँ से सैलरी बनती है उसको नोट करके अपने शीट में इस तरह से लिख सकते हैं घंटे के लिए। और जब ये सैलरी बन करके आ जाती है तो फिर क्या करना होता है, आपको टैली में एक लेज़र और बनना होता है, अकाउंट इन्फो लेज़र क्रिएट अनंत चौधरी। अब क्योंकि ये क्या है, इसको हम पेमेंट देंगे तो जाएंगे डेबिट और अंडर आ जाएगा सैलरी क्रेडिटर, यस ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं वापस और हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। और यहाँ से हमने किया F5, पेमेंट कर रहे हैं हम, कैश के थ्रू कर दीजिए या फिर सैलरी पेबल के थ्रू कर दीजिए, आपकी इच्छा है। यहाँ से हमने ले लिया अनंत चौधरी और कितनी सैलरी थी, 36,644 रुपये 40 पैसे बनाने के बाद ऑन अकाउंट। और यहाँ से हम इसको करते हैं सेव। तो इस तरह से आपकी पूरी सैलरी दी जाती है किसी भी एम्प्लॉय को, सैलरी बनती है पेरोल के अंदर, हमने सैलरी बनाई फिर पेमेंट के अंदर आकर के वो सैलरी पे की। तो यहाँ पर आकर के आपका पेरोल का काम, पेरोल मैनेजमेंट का काम खत्म हो जाता है। ये आपकी पेरोल की लास्ट क्लास थी, बाकी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।